रेडियो एक्टिविटी का पहला फॉर्मूला हमने क्या किया कि अल्फा डीके में एक्स एलिमेंट है और एक्स एलिमेंट वाई एलिमेंट में कन्वर्ट होगा और ये हीलियम 4-2 कन्वर्ट हो जाएगा इसमें और ए रिड्यूस बाय 4 होगा और जेड जो है वो 2 से रिड्यूस होगा। बीटा डीके में क्या होगा, E0-1 बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन है तो ये ए और ये जेड प्लस 1 है। गामा डीके में क्या होगा, गामा डीके में कुछ भी ना होगा क्योंकि गामा बिल्कुल न्यूट्रल है, ना ए चेंज होगा ना जेड चेंज होगा। रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, -dN/dt लैम्डा एन और उसी तरीके से N=N0e^-λT। और हाफ लाइफ की वैल्यू क्या है, हाफ लाइफ log2/λ याद करें, वैसे ये याद करें 0.693/λ या कई ऑब्जेक्टिव के अंदर इसको log(2^e) भी लिखा जाता है। एन और एन नॉट का फॉर्मूला आपको पता है, तो एन का फॉर्मूला क्या है, कितनी देर रेडियो एक्टिविटी चली अपॉन हाफ लाइफ पीरियड, मीन लाइफ मैंने बता दिया 1.44 टाइम हाफ लाइफ पीरियड है, फिर रेडियो एक्टिविटी या एक्टिविटी का फॉर्मूला मैंने बता दिया, टाइम रिक्वायर्ड का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया और डीके कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला भी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई से आ गया। इसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल एंड बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स विल बी एमिटेड व्हेन थोरियम चेंजेस इनटू पीबी। तो बेसिकली है क्या इसमें, इसके अंदर वो ये कह रहा है कि 232/90, 208/82 में कन्वर्ट हो गया, कितने अल्फा और कितने बीटा निकले होंगे। अच्छा एक मिनट ये बताओ, पहले अल्फा की बात करते हैं, अल्फा क्या होता है, हीलियम 4-2 होता है, अल्फा पार्टिकल है, इसका और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो मेरे को ऐसा लगा अगर 24 आ रहा है, एक अल्फा पार्टिकल जब बाहर निकलता है तो 4 ए की वैल्यू 4 रिड्यूस हो जाती है, पर यहां पर कितना है 24 का मतलब पक्की बात है 6 अल्फा पार्टिकल निकले हैं, क्योंकि 6 × 4 कितने 24, तो तुम 24 को 208 में ऐड करोगे 232 आएगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, यहां से अंदाजा हो रहा है, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल का मतलब डिक्रीज बाय 4 है और क्योंकि इनमें डिफरेंस कितना है, इनमें डिफरेंस जो है वो कितना है 24, तो 24 को मैंने 4 से डिवाइड कर लिया तो कितने पार्टिकल आए, 6 पार्टिकल आ गए। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, पर एक प्रॉब्लम है, आपने न्यूमिनेटर तो सेट कर लिया पर डिनोमिनेटर की सेटिंग नहीं बैठ रही, क्योंकि डिनोमिनेटर में 90 है, ये 82 है और 6 × 2 12 है, अगर 12 है तो यहां पर बात बनेगी नहीं, ठीक है यहां तक। अब आप क्या चाहते हो, यहां कितना एक्स्ट्रा आ रहा है बताओ, ये 90 है, 82 और 12 ऐड होके कितना हो गया 94 में से 90 गया, कितना हो गया 4, 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो अल्फा जो बीटा पार्टिकल है वो क्या होता है, E0-1, तो ये जो नीचे की वैल्यू है 4 बीटा निकाल दो, क्योंकि तुम्हारे पास 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, तुम 4 × -1 -4 रिड्यूस कर दो, यानी कि 4 बीट, क्योंकि जो बीटा पार्टिकल है वो ए को तो चेंज करेगा नहीं, ए की एडजस्टमेंट तो अल्फा ने कर रखी है, आपका अटोमिक नंबर सेट नहीं बैठ रहा, तो अटोमिक नंबर में क्या करेंगे, इसमें -1 लगा के 4 से मल्टीप्लाई करके इसको रिड्यूस बाय -4 कर दो, तो 4 बीटा पार्टिकल निकले और 6 अल्फा पार्टिकल निकले, आंसर आ गया, कोई डाउट इसमें। तो हिट एंड ट्रायल है सारा, एडजस्टमेंट पहले न्यूमिनेटर से कर लेनी है, फिर डिनोमिनेटर जो की एडजस्टमेंट बीटा करेगा, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, हो जाएगा इस टाइप की प्रॉब्लम। अल्फा बीटा डीके पे जिन्होंने पी वाई क्यू के क्या क्वेश्चन आए हुए हैं जी, इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ें जरा, 13 क्वेश्चन क्या है, देखो ये बहुत सही क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चंस को ये सही भी कर देगा एक मिनट में बिना पेन को हाथ लगाए। कैसे, हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टन रेडियो एक्टिव मटीरियल इज 138 डेज, ठीक है 138 डेज है राइट, आफ्टर व्हाट लैप्स ऑफ टाइम, कितने समय के बाद अनडिकेड फ्रैक्शन ऑफ द मटीरियल विल बी 6.25%, तो 6.25
परसेंट जो है अनटिकेट बच जाएगा। बस आप मुझे ये बताओ कि अगर 100% पर पड़ा है तो उसका 50% कितनी देर में बचेगा, हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ पीरियड में नंबर ऑफ एटम 50% हो जाएंगे। 25% कितनी देर में होंगे, नेक्स्ट 138 यानी कि दो हाफ लाइफ पीरियड में कितने होंगे, 25% होंगे। तीन हाफ लाइफ पीरियड में कितने होंगे, 12.5% होंगे। चार हाफ लाइफ पीरियड में कितने होंगे, 6.25% होंगे। तो 6.25% जाने में कितने हाफ लाइफ पीरियड हुए, चार। एक हाफ लाइफ पीरियड कितने डेज का है, 138 इंटू 4 करके 552 आंसर है, सही है। और कभी कभी तो 5 तक पहुंच जाता है, 3.125 तक, तो डिपेंड कर, ये फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है, 50 25 12.5 6.25 3.125। ठीक, जैसे हाफ लाइफ ऑफ रेडियम कैपिटल टी गिवन है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, टाइम बताने आपको, 25% अनडिकेड हो गया, बोलो हाफ लाइफ पीरियड 1600 है, एक हाफ लाइफ पीरियड में कितने बचते हैं, 50%, दो हाफ लाइफ पीरियड में कितने बचते हैं, 25%, तो 25 होने में कितने हाफ लाइफ पीरियड लगे, दो, एक हाफ लाइफ पीरियड 1600 साल का है, इंटू दो, 3200 आंसर। ये करने की जरूरत ही नहीं है, इसका क्या करना है, करके सीधे और आंसर आ रहा है। जैसे फाइंड हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल, हाफ लाइफ निकालना है, इफ एक्टिविटी ड्रॉप्स टू कितना, 1/16 ऑफ द इनिशियल वैल्यू इन 30 ईयर्स, तो एक्टिविटी क्या है, एन की वैल्यू कितनी हो जाए, एन नॉट बाई 16, क्योंकि आर जो है वो एन के प्रोपोर्शनल था, तो जो रिलेशन आर का होता है वही एन का होता है, तो एन की वैल्यू एन नॉट बाई 16 है, तो ये फॉर्मूला लगाओ और एन की जगह एन नॉट बाई 16 पुट करो, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल करके एन निकालो, एन कितना आ रहा है, 4, तो यानी कि कितने हाफ लाइफ पीरियड हुए इसमें, 4। एन का फॉर्मूला मैंने क्या करवाया था, छोटा टी बाय बड़ा टी, एन मैंने कितना निकाल दिया, 4, हाफ लाइफ पीरियड 30 साल में, यानी कि टोटल ड्यूरेशन कितना है, 30 ईयर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल टी निकाल लेना आंसर, ये सबसे, ये इसकी जगह ना ये बेटर है, ये लिख लो एन इज इक्वल टू स्मॉल टी बाय कैपिटल टी, तो यहाँ से कैपिटल टी निकालना है, स्मॉल टी का मतलब टोटल कितनी देर तक प्रोसेस चलेगा, और एन का मतलब इसमें 4 है, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चंस हैं जो भी हमने किए, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन देखो मैं आपको एक एक टाइप करवा रहा हूं, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी आने का चांस बड़ा कम है, तो बेसिक करवा रहा हूं कि अगर आ जाए तो एटलीस्ट आप हैंडल कर सकेंगे, बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं है इसमें करने वाला, ठीक है। तो सीबीएसई में तो नहीं आएगा, सीबीएसई में नहीं आएगा, पर अगर कंपटीशन में आता है तो एटलीस्ट पता हो क्या करना है। तो इसके अंदर एक साइंटिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है इस तरीके से, और उसने क्या किया, उसने इतने समय में इसको प्लॉट किया, लॉग ऑफ एन नॉट बाई एन को प्लॉट कर लिया, वो कह रहा है इस टेबल को देखते हुए तुम ग्राफ प्लॉट करो, किसका, स्मॉल टी का वर्सेस लॉग ऑफ एन नॉट बाई एन का, तो स्मॉल टी का और लॉग ऑफ एन नॉट बाई एन का जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है स्ट्रेट लाइन, तो कैसे, क्योंकि ये वैल्यूज थी, वैल्यू को प्लॉट कर लेना 0, 10 एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। तुम पी वाई क्यू चेक कर लेना, तुम्हारे पेपर में एक पी वाई क्यू में क्वेश्चन आया हुआ है, अभी 2000 इसी यही क्वेश्चन आया हुआ है, पर टेबल नहीं गिवन, उसने ग्राफ करेक्ट ग्राफ मार्क करने को कहा है, टी और लॉग ऑफ एन नॉट बाई एन का ग्राफ प्लॉट कर लेना, चार ग्राफ मिलेंगे आपको, ये ग्राफ है बिना टेबल के, बच्चा कहता है घर से याद करके आया, ये टेबल क्या होता है, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, देख लेना आपको मिल जाएगा, मैं आज ही देख रहा था, ना वैल्यूज नहीं, ऐसी बस अंदाजे से मारना है, अंदाजे भी नहीं मारना, एक्चुअल में क्या करना है, जो हमने क्वेश्चन किया, हमने जो फॉर्मूला किया है वो ये किया है, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर कितना माइनस लैम्डा टी किया है, यहां से एन बाय एन नॉट क्या होगा, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी होगा, यहां से उल्टा करो एन नॉट बाय एन, क्योंकि एन नॉट बाय एन है, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर प्लस लैम्डा टी होगा, ऐसे होगा, यहां से टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स एन नॉट बाय एन टू द बेस ई इज इक्वल टू लॉग ऑफ टू द बेस ई, ई की पावर क्या होगी लैम्डा टी, या फिर लॉग ऑफ एन नॉट बाय एन इज इक्वल टू लैम्डा टी, नीचे आ गया लॉग ई टू द बेस ई क्या होता है 1, तो आप चेक करो इसका और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही तो आएगा, यही ग्राफ है बिना वैल्यूज के,
ऐसे प्लॉट करवाया उन्होंने, मैप्स यूज करके प्लॉट करो ऐसे, ठीक है, क्लियर है। तो ग्राफ कैसे बना और कैसे मैथमेटिकल इसका पोर्शन है समझ में आ रहा है। इसके अंदर अब वो कह रहा है कि ग्राफ आ गया, तो तुम एक काम करो, इस ग्राफ में लैम्डा बोलो क्या होगा, इसको देखते हुए लैम्डा निकालो। ये फॉर्मूला हमें पता है, लैम्डा इसके इक्वल है, तुम यहाँ पर कोई भी टाइम ले लो, टाइम 10 मिनट है मान लो, तो ये 10 पुट करो, इसके ऊपर लॉग ऑफ एन नॉट बाई एन 3.465 है, तो इस पूरे की जगह 3.465 है, यहाँ से सॉल्व करके लैम्डा आ गया, लैम्डा आ गया तो हाफ लाइफ पीरियड भी आ जाएगा आंसर आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ हम इसको क्लोज करेंगे 24th, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी में बहुत एफर्ट लगा के फ़ायदा नहीं ना, क्योंकि मैंने PYQ चेक किए, PYQ में कम से कम 125 क्वेश्चन अटोमिक स्ट्रक्चर पे, जो केमिस्ट्री में करके आए हो, प्लस वन का अटोमिक स्ट्रक्चर -13.6 बाई एन स्क्वायर, और इतने आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब उस पर एफर्ट लगा के, जिसका क्वेश्चन पता ही है कि क्वेश्चन आना ही अटोमिक स्ट्रक्चर पे है, तो टाइम इस पर क्यों लगाएंगे, ये तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, उस पर लगाएंगे। तो आज मैं अटोमिक स्ट्रक्चर शुरू करूंगा और अगली क्लास में इसको न्यूमेरिकल दबा के कराऊंगा, क्योंकि वो तो आने ही आने हैं, और CBSE के पेपर के अंदर भी अटोमिक स्ट्रक्चर भरा पड़ा है, तो मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें करनी है हमने, ठीक। और ये इसके हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम आपको पता है, और अगेंस्ट अल्फा डीके इज गिवन, हाफ लाइफ पीरियड पता है, व्हाट इज एक्टिविटी ऑफ द सैंपल हैविंग इतने एटम्स, तो जब ये इसके नंबर ऑफ एटम इतने हैं, इसकी एक्टिविटी बतानी है, एक्टिविटी क्या होती है लैम्डा एन, और लैम्डा क्या होता है 0.693 बाय हाफ लाइफ पीरियड, आपको हाफ लाइफ पीरियड पता है, आपको नंबर ऑफ एटम पता है, एक्टिविटी आ गई, और एक्टिविटी के यूनिट्स क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड।